पहली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र दिवस के मौके पर आज 1 मई रविवार को महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की औरंगाबाद में सभा होने वाली है। मुंबई और ठाणे की सभा के बाद यह उनकी तीसरी बहुचर्चित सभा है। राज की इस रैली में न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजर है। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का मुद्दा राज ठाकरे ने जो अपनी ठाणे की सभा में उठाया था, वो उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार जैसे अन्य राज्यों में भी गर्मा गया। उन्होंने ठाणे की सभा में 3 मई का अल्टीमेटम देकर कहा था कि अगर रमजान के आखिरी तक और ईद के बाद भी मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतारे जाते हैं तो उनके सैनिक जगह जगह मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अब सबकी नजरें आज की सभा पर टिकी हुई है। आज राज ठाकरे की रैली के संदर्भ में एमएनएस प्रवक्ता संदीप देशपांडे ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज ठाकरे की इस सभा के बाद महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा बदल जाएगी। आज की सभा ऐतिहासिक होने वाली है क्योंकि इस सभा पर न सिर्फ संभाजीनगर यानी औरंगाबाद के नाम का विरोध कर एमएनएस करती रही है, इससे संभाजीनगर नाम दिए जाने की मांग महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश की नजरें लगी है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कल संजय राउत ने राज ठाकरे को हिंदू वैसी बताया था। उन्होंने कहा था कि हिंदूवादी वोटरों को बांटने के लिए बीजेपी ने राज ठाकरे को हिंदुत्ववादी नेता के रूप में पेश कर रही है। शिवसेना का हिंदुत्व उधार का हिंदुत्व नहीं, जो राज ठाकरे का कल तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मजाक उड़ाते थे और कहते थे ये कौन गंजा है जो भगवा पहनकर इधर उधर घूमता फिरता है, आज वे अयोध्या जा रहे हैं। वही अगली बड़ी खबर आपको बता दे, राज ठाकरे ने क्यों चुना औरंगाबाद। 34 साल पहले बाला साहेब ठाकरे ने भी यहीं भरी थी हिंदुत्व की हुंकार। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे रविवार यानी आज औरंगाबाद यानी संभाजीनगर में रैली करने जा रहे हैं। राज्य में जारी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के मुद्दे के अब इस रैली का आयोजन स्थल भी चर्चा का विषय बन गया है। मराठवाड़ा सांस्कृतिक मंडल मैदान पर आयोजित होने जा रहे इस कार्यक्रम में करीब 3 दशक पहले हुए दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की रैली की झलक दिख रही है। महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा विवाद के बीच मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दावा किया कि देश को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि रोजगार जैसे वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का 44वां मुकाबला राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। टॉस जीतकर मुंबई ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 20 ओवर में 158 रन बनाकर मुंबई को 159 रनों का लक्ष्य दिया, जिसे मुंबई इंडियंस ने पूरा कर 5 विकेट से जीत हासिल की। महाराष्ट्र में मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का जाप करने को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मुंबई की सेशन कोर्ट में शनिवार को निर्दलीय सांसद नवनीत और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत अर्जी पर 2.5 घंटे तक सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने राणा दंपति की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट सोमवार को उनकी जमानत पर फैसला सुनाएगा यानी 2 मई को कल। दुनिया भर के देशों में इस वक्त महंगाई अपने चरम पर है। कई देश तो कंगाल हो गए, तो श्रीलंका में तो सरकार ही गिर गई। यहाँ खाने के दामों से लेकर लगभग हर चीज के दामों में वृद्धि हो गई। 1 मई से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए से अधिक का इजाफा देखने को मिला है। यह वृद्धि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर पर हुई है। फिलहाल भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के उपभोक्ताओं को राहत मिली है। बता दें पिछले महीने यानी 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपए का इजाफा हुआ था। आज महाराष्ट्र में सियासत का सुपर संडे रहने वाला है, जहां मुंबई में बीजेपी और शिवसेना दोनों ही महाराष्ट्र दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही हैं। वहीं शिवसेना की बात करें तो सीएम उद्धव ठाकरे सुबह 7 बजे हुतात्मा चौक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। इसके बाद सुबह 8 बजे शिवाजी पार्क मैदान में समारोह में शामिल हुए।
हिंदू ओवैसी कहने पर असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं संजय राउत पर। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संजय राउत मुझे अपने झगड़े में ना घसीटे, राज ठाकरे पर निशाना साधने के लिए उन्हें मेरा नाम हिंदू ओवैसी नहीं लेना चाहिए। ये ठाकरे परिवार की अंदरूनी कलह है, उन्हें इसे सुलझाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अक्सर सुर्खियों में रहने वाले समाजवादी पार्टी सांसद शफीक उर रहमान बर का एक बयान सामने आया है, जिसमें वह अजीबोगरीब बयान देते नजर आ रहे हैं। रहमान बर कह रहे हैं कि मुसलमान एक हो जाओ, इस समय मदद का वक्त है, डकैती डालकर एक दूसरे की जेबें खाली मत करो बल्कि एक दूसरे की मदद करो। 3 मई को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव यमकेश्वर के पंचूर पहुंचेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के बाद वह पहली बार गांव पहुंच रहे हैं। यूपी में दोबारा सीएम बनने के बाद पहली बार अपने गांव पंचूर जाएंगे योगी आदित्यनाथ, मां से लेंगे आशीर्वाद। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ अब सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार की कवायद शुरू कर दी है। इसके लिए स्कूली शिक्षा विभाग को बड़ा टास्क दिया है। प्रदेश के तमाम स्कूलों में अब शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक होगी, इसे लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। फर्जी मदरसों की शिकायत पर सरकार ने मदरसों की जांच कराने का फैसला किया है। जी हां, मदरसों की जांच की जाएगी, जिसके लिए जांच कमेटियों का गठन हुआ है। इस जांच को लेकर मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद का बयान आया है। जावेद ने कहा कि आधुनिक शिक्षक मदरसों की जांच से ना घबराएं, जांच आधुनिक शिक्षकों की भलाई के लिए है। वहीं अगली बड़ी खबर आपको बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने जेल में बंद अपराधी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की 7,27,00,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में हमने अब तक बिजली की स्थिति को नियंत्रण में रखा है, परंतु ये पूरे देश की समस्या है। पूरे देश में इस समय बिजली की समस्या कोयले की कमी के कारण हो रही है, इस पर सबको मिलकर काम करना चाहिए। जो लोग पंजाब की शांति को भंग करेंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस ने वेट और एक्साइज ड्यूटी को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी को वेट नजर आता है, मगर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर खुद द्वारा की जा रही लाखों करोड़ों की लूट नजर नहीं आती। कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी हनुमान चालीसा के नाम पर दंगे भड़काकर देश को विभाजित करने की साजिश रचने वालों के खिलाफ लड़ रही है, यानी शिवसेना देश को विभाजित करने वालों के खिलाफ लड़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना संस्थापक दिवंगत बालासाहेब ठाकरे कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह के प्रयासों का विरोध करने पर खुशी महसूस कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें विश्वास नहीं है कि कोई तीसरा या चौथा मोर्चा देश में चुनाव जीत पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई पार्टी मोदी को हराना चाहती है तो उसे दूसरे मोर्चे के रूप में उभरना होगा। प्रशांत किशोर की हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने की भी अटकलें लगाई जा रही थी। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जनरल मनोज पांडे ने संभाली थल सेना की कमान। देश के 29वें थल सेना प्रमुख बने जनरल मनोज पांडे। इससे पहले जनरल मनोज मुकुंद नरवणे थल सेना अध्यक्ष थे। देश में पहली बार सेना के इंजीनियरिंग कोर के किसी अधिकारी को थल सेना की कमान सौंपी गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कोयले की कमी से यूपी समेत 12 राज्यों में बिजली कटौती। शुक्रवार को देश में 2,07,111 मेगावाट रही मांग बिजली की। देश के 18 राज्यों में 12-12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। देश के बड़े थर्मल पावर स्टेशनों पर भी लगभग 6 से 7 दिनों का ही कोयला बचा है।